हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, राइट। अभी देखिए इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या है, इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक पूरा का पूरा बेस्ड है इकोसिस्टम के ऊपर ही। इकोसिस्टम क्या होता है और कैसे इसके अंदर फूड चेन, फूड वेब बनती है, किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है, तो ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम का क्या मतलब है। इकोसिस्टम का मतलब हो गया वही आपका एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक जो भी फैक्टर्स हैं उनके इंटरेक्शन जो होते हैं उन सभी को हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। बट ये जो सिस्टम होता है ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर प्रेजेंट हो, एरिया में प्रेजेंट होता है। वो एरिया जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, और वो हैबिटेट जो होता है जिसमें ये इकोसिस्टम प्रेजेंट है वो हैबिटेट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। समझने के लिए आप समझिए कि जैसे कि एक एरिया यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक एरिया यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं कई सारे प्लांट स्पीशीज, कई तरह की एनिमल स्पीशीज। इस इकोसिस्टम को भी आप अगर डिवाइड करो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, क्योंकि अब कम लार्ज स्केल पे आप सोच लो तो हमारा पूरे के पूरे हम ये टेरेस्ट्रियल जितना भी जगह है उन सभी को हम इंक्लूड करें तो वहाँ बहुत सारी प्लांट स्पीशीज और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज हैं। और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सनलाइट है, जितने भी एबायोटिक फैक्टर है वो सेम तरीके से सबको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट कंडीशन देखिए, जैसे ही इक्वेटर से आप दूर जाते हैं थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा, जैसे ही आप प्लेन एरिया से क्या जाते हैं ऊपर थोड़ा सा हम बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, आपको इन एबायोटिक फैक्टर में डिफरेंस मिलेगा। यानी कि अगर हम लार्ज स्केल में सोचें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ, लेकिन उस टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी एबायोटिक कंडीशन के चेंजेस की वजह से अलग अलग फैक्टर की अलग अलग जगह अलग अलग रेंज होने की वजह से और भी कई तरह के इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि डेजर्ट एरिया जो होता है वहां पे प्रेजेंट सारी की सारी प्लांट स्पीशीज और जितनी एनिमल स्पीशीज है वो और वहां के एबायोटिक फैक्टर्स की कंडीशंस उन सभी को मिलाकर उनके जो उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम, जो कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही एक क्या है, पार्ट है। तो इकोसिस्टम क्या होगा इसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को, और अगर इसको क्लियर समझाएं तो देखिए ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर। देखिए फंक्शनल यूनिट है क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने भरोसे काम कर सकती है, वहां पे हर तरह की स्पीशीज है, उनमें हर तरह के साइकिल चल रहे हैं, फूड साइकिल चल रहे हैं कि अगर प्लांट है वो फूड बना रहे हैं तो वहां पे उनको कंज्यूम करने के लिए एनिमल्स प्रेजेंट है, और वहां पे भी एनिमल्स में भी कई तरह की वैरायटी है कि कुछ जो है वो हम बोल रहे हैं हर्बीवर्स है जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं, तो कुछ कार्निवर्स है जो उन्हीं एनिमल्स को खा रहे हैं, तो उनका खुद का क्या है, एक फूड चेन जो है वो चल रहा है। फूड चेन चल रहा है तो इसका मतलब एनर्जी फ्लो भी उनके अंदर चल रहा है, कई सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल है जैसे कि हम बोलते हैं कार्बन है या फिर फॉस्फोरस है, तो इन सब ये जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन है, ये सब भी क्या है उस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर घूम रहे हैं। यानी वो पूरा सिस्टम किस इकोसिस्टम किसको बोल रहे हैं, एक ऐसी फंक्शनल यूनिट जो अपने आप से सेल्फ रेगुलेटेड है, जिनमें ये सारे साइक्लिक प्रोसेस चल रहे हैं, कंटिन्यू फूड का जो है सप्लाई भी चल रहा है, एनर्जी फ्लो भी चल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और क्लियर कर डेफिनेशन देख लिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्शन करते हैं, ऑल्सो विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में भी क्या कर रहे हैं वो अपना क्या बोलते इंटरेक्शन कर रहे हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, सबसे छोटी है, इट इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग, खुद अपने आप से अपना रेगुलेशन कर सकती है, है ना, अपने आप को बनाए रख सकती है, तो यही है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अभी आपके क्लियर हो गया दिमाग में कि इकोसिस्टम किसको बोला है। अभी देखिए कोई भी एक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो देयर इज एन एनर्जी सोर्स, कोई ना कोई एनर्जी सोर्स होना चाहिए। आप जानते हैं सनलाइट सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है जिसको ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और फूड बनाते हैं, यानी कि जो स्टार्च है जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर इकट्ठा करेंगे। फिर हम बोल रहे हैं कि एडेक्वेट अमाउंट ऑफ फूड एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एक्टिव इकोसिस्टम, बिल्कुल चलता है ना, ऐसा ही तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंटल उसको क्या करते हैं फूड बना के प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, देन उसको जब कंज्यूम किया जाता है बाय द एनिमल्स तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं एनिमल्स को, देन कार्बन अभी सप्लाई हो गया एनिमल्स के अंदर, देन एनिमल्स में भी कई वैरायटी है, कोई कार्निवरस होता है तो हर्बिवरस को खाता है, तो देन वो कार्बन सप्लाई हो गया वहां पे,
एंड जब डेथ होती है किसकी, आपके प्लांट्स की भी डेथ हो गई, डीके मटीरियल है, या फिर हम बोलते हैं एनिमल्स है वो भी उनकी भी डेड जो बॉडीज है उन पर कुछ माइक्रोब्स हैं, फंजाई है, वो वर्क करती है और फिर उसके बाद में डीकम्पोजिशन हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन होने के बाद में हम बोलते हैं कार्बन फिर से सॉइल के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है। कुछ जो है कार्बन हम ये बोल रहे हैं कि चूंकि हम बोले सॉइल में वाटर के अंदर और वापस जो बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो आ जाता है, बर्न करते हैं अगर हम लोग इसी को, प्लांट्स को अगर बर्न करते हैं तो देन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, तो देन गैसियस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो वापस पहुंच जाती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है चलते रहते हैं, ये एलिमेंट्स जो है वो घूमते रहते हैं। देयर शुड बी कंटिन्यूअस साइक्लिंग फ्लो ऑफ एनर्जी, बिल्कुल जैसे जैसे फूड सप्लाई होगा तो उसके साथ में फूड के फॉर्म में एनर्जी ही तो सप्लाई हो रही है, तो फूड चेन उस पर प्रेजेंट होनी चाहिए। देयर आर रेगुलर चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, तो बिल्कुल ये टेम्परेचर में चेंज होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऑलमोस्ट हर साल पूरे साल भर जो है सेम ही टेम्परेचर की रेंज रहेगी या रेनफॉल रहेगा, हर वक्त बारिश होना भी सही नहीं है। नहीं तो प्लांट को भी ग्रोथ करनी है, बिल्कुल प्रेसिपिटेशन एक रेनफॉल एक लिमिटेड बोलते हैं रेंज, ऑप्टिमम रेंज तक चाहिए होता है, उससे ज्यादा अगर हो जाती है तो देन वो क्रॉप के लिए हम ये बोलते हैं कि बेनिफिशियल नहीं रहती है, और क्रॉप अगर प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो फिर कैसे उसको एनिमल्स जो है वो उसको कंज्यूम करेंगे, राइट, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कैसे करेंगे। तो जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक वेरिएशंस जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो जो है डेवलप नहीं होंगे। एडेप्टेशन जो आती है वो भी इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चेंजेस की वजह से ही एडेप्टेशन उनमें डेवलप होती है, तो अडेप्टेशन भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इकोसिस्टम के अंदर ये एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें चेंजेस वेरिएशन होने जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को कैसे समझते हैं, जैसे खेत है, अपने खेत है, फार्म है आपका, फार्म के अंदर आपने वेजिटेबल्स को ग्रो किया है, तो वो आपने इकोसिस्टम कैसे बनाया, खुद से बनाया, आपने एनवायरमेंट जो है खुद ने प्रोवाइड किया, मैनमेड एनवायरमेंट है, आप सॉइल जो है उसमें खाद वगैरह डालते हैं, आप सॉइल को सुटेबल बनाते हैं फॉर द प्लांट्स एंड देन प्लांट्स को वहां ग्रो करते हैं, देन वहां पे जरूरी नहीं है कि बारिश हो, आप बाहर से भी अगर आपने ट्यूबवेल लगाया है तो ट्यूबवेल के थ्रू, या फिर आपने कुआ वगैरह है तो वहां से, या फिर अपने घर से जो है पानी की पानी जो है वो पूरा छिड़काव आप अपने उसमें पूरे खेत में करते हैं, तो आपने वाटर की सप्लाई भी की है, यानी वहां जितना भी एनर्जी फ्लो हो रहा है या फिर हम बोलते हैं न्यूट्रिशन साइकिल जो चल रहे हैं और वो जो पूरा एनवायरमेंट क्रिएट किया गया होता है वो मैनमेड होता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि गार्डन है, एक्वेरियम है, एक्वेरियम हमारे घर में रखा गया, छोटा सा इकोसिस्टम है, जो भी क्या होता है मैनमेड होता है तो वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ गए। बट नेचुरल में आ जाते हैं टेरिस्ट्रियल एंड हमारा एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल में आ जाते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री, डेजर्ट ट्री भी क्या है अपने आप में एक इकोसिस्टम ही है। ट्री के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो चींटियां भी देखने को मिलेगी, प्लांट खुद भी क्या है जो ट्री जो है वो खुद ही एक प्लांट स्पीशीज है, एंड देन उसके ऊपर कई सारी बर्ड्स जो होती है वो वहां पे रहती है, एंड देन आप देखेंगे वहां पे कई तरह की गिलहरी वगैरह जो होती है वो भी, स्क्वायरल वगैरह जो है वो भी वहां पे आती है, और चींटियां हैं, कीड़े हैं, वो भी आपको वहां पे कई तरह की और स्पीशीज जो है वो भी देखने को मिल जाती है। तो प्लांट भी अपने आप में क्या है एक ट्री जो है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जिस पर भी कई तरह की स्पीशीज जो है ग्रो करती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर उन सारी स्पीशीज को सेम तरीके से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, बट उनका खुद का उसको हम बोलते हैं कि उनके लिए रिस्पॉन्स जो होता है वो सबका डिफरेंट होता है। प्लांट का अपना होगा, इंसेक्ट्स का अपना, बर्ड्स का अपना, सबका अपना अपना जो होता है वो उसका अपना अपना हम बोलते हैं रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक में दो है, एटलांटिक एंड लॉटिक। लेंटिक किसको बोलते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर जो होता है ना, जो बहता हुआ पानी नहीं होता ना, उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे, जैसे कि लेक है या पॉन्ड है। लॉटिक के अंदर आ जाते हैं जो हम बोलते हैं फ्रीली फ्लो करते हुए होती है, तो रिवर्स आती है इसके अंदर, तो फ्रेश रिवर्स जो होती है उसमें प्रेजेंट जो सिस्टम है उसको हमने रखा है लॉटिक के अंदर। तो लेंटिक एंड लॉटिक दो एक्वेटिक जो है वो इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज कैसा है, तो देखिए मेगा इकोसिस्टम है, सबसे बहुत बड़ा इकोसिस्टम है हमें ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। मैक्रो के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं है ना, तो उसके अंदर हमारे आ जाते हैं फॉरेस्ट, माइक्रो उससे छोटा अगर हम देखेंगे तो पॉन्ड, ठीक है, और नैनो इकोसिस्टम वाटर की एक ड्रॉपलेट होती है उसमें भी कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है अपने आप में एक इकोसिस्टम ही है। तो इकोसिस्टम का साइज जो है बहुत बड़ा ओशन लेवल पे और बहुत छोटा पानी की एक बूंद जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इकोसिस्टम के साइज, दैट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो तरह के फैक्टर है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सभी आते हैं, और आप जानते हैं हम बार बार रिपीटेडली इन्हीं सब चीजों को बार बार क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो दोबारा से डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, राइट, ये सभी के सभी बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं इकोसिस्टम में।
अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी फूड चेन होती है ना, फूड चेन के बारे में बात करते हैं और वहीं पे उसी बेसिस पे हम चलते हैं। देखिए फूड चेन होती है, फूड चेन में क्या होता है कि सनलाइट आई है ना, यही एनर्जी का मेन सोर्स है हमारे ऊपर, हमारे यहाँ, और हम बोल रहे हैं कि प्लांट जो है वो यहाँ ग्रो कर रहे हैं, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड खुद से बनाएंगे, इनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि इन्होंने फूड खुद से बनाया है, किसी और पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फूड बना रहे हैं, सबसे पहले यही है ट्रॉपिक लेवल में, यही आते हैं। ट्रॉपिक का मतलब हो गया कि वो ही फूड न्यूट्रिशन लेना है ना, तो ट्रॉपिक लेवल वन यानी सबसे पहले न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, न्यूट्रिशन का सेकेंड लेवल क्या है, पोषण के जो स्तर होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिक, है ना, कि किस तरीके से ट्रॉपिक है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है, प्रोड्यूसर आता है जो फूड खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब इनको ये उनको ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, फूड खुद से बना रहे हैं, फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हो क्योंकि फूड खुद से बनाया है, पहला तो ये आ जाता है। देन इनको जो कंज्यूम करेगा, जो हम बोलते हैं कि हर्बीवरस, जो हमें बोल रहे हैं कि जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो हमारे आ जाएंगे फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर। कंज्यूमर्स इसलिए बोला है क्योंकि कंज्यूमर्स की अपनी एक कैटेगरी, हमारे पास में दो ही चीजें देखने के लिए है इसमें फूड चेन के अंदर, एक तो आपके आता है प्रोड्यूसर, दूसरा आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर की भी कई लेवल है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, जिनको आप टॉप लेवल कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, जिनको आगे कोई भी फर्दर नहीं खाता। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं, देन आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, देन आ जाता है टर्सरी कंज्यूमर जो हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जिसको हम टॉप लेवल के कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनको आगे कोई नहीं खाता है। तो इस तरीके से एक फूड चेन चलती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर ट्रॉपिक लेवल को ही डिस्कस कर रहे हैं, कैसे ये फूड जो है एक दूसरे से कंज्यूम करते हैं, और फूड एक्चुअल में है क्या, एनर्जी ही तो है जो स्टोर की हुई है, जिसको यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए प्रोड्यूसर जितने भी ऑटोट्रॉफिक है इकोसिस्टम में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है मेनली ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। डाइटम्स वगैरह जो आते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स, सॉरी जो यूकैरियोटिक है बट प्रोटिस्ट है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी प्रोड्यूसर ही है। ठीक है, याद रखिए जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो फूड अपना खुद से बना सकता है, चाहे फिर वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आप जाओगे तो वहां पर डाइटम्स हो सकते हैं, और ग्रीन प्लांट्स जो कि हमारे टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है, बिल्कुल एक्वेटिक के अंदर ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर भी इनको हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कीमो ऑटोट्रॉप्स, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो केमिकल एनर्जी से निकलने वाली एनर्जी जो है उसको फूड बनाने में काम में आ रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो आपके क्या प्रोड्यूसर्स हैं, और एल्गी और हायर एक्वेटिक प्लांट्स, ये भी क्या है आपके प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं उसकी लिस्ट हो गई हमारे पास में। कंज्यूमर्स जो हम बोल रहे हैं ये सभी के सभी हिटरोट्रॉप्स हैं। हिटरोट्रॉप्स इसलिए बोला कि कई तरीके से फूड ले रहे हैं, ये पैरासाइट भी है, ये डीकम्पोजर्स भी है। ठीक है, और हम इनको कार्निवरस भी जो है वो भी हम इसके अंदर काउंट कर रहे हैं। तो सभी जो आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब कौन सा किस लेवल का है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी के लिए ध्यान रखिए सभी हिटरोट्रॉप्स जो है वो कंज्यूमर्स हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो उनके खाने के तरीके पर डिपेंड करेगा। हर्बीवरस डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट के ऊपर, कार्निवरस इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे हुआ, कार्निवरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल रहे हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कार्निवरस है और टर्सरी कंज्यूमर्स जो है वो भी कार्निवरस ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर, मैक्रो एंड माइक्रो दो तरह के कंज्यूमर्स है। मैक्रो कंज्यूमर्स किसको बोला, दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन। यानी कि हम जो है वो किस तरह के हैं, हम मैक्रो कंज्यूमर्स में से आते हैं क्योंकि हम फैगोट्रॉप्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अंदर हम डाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए हम मैक्रो कंज्यूमर्स में है। माइक्रो कंज्यूमर्स में कौन होगा, जो बाहर क्या करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगे एंड देन जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बाहर होगा एंड देन उसको ईट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, जो कि हम ये बोल रहे हैं कि फूड डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेते हैं, हर्बीवरस जो है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर प्राइमरी कार्निवरस किसको बोलेंगे, मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कार्निवरस है और टर्सरी कंज्यूमर्स भी कार्निवरस है, पर सेकेंडरी कंज्यूमर को यहाँ पे हम प्राइमरी कार्निवरस बोलेंगे, जबकि टर्सरी हमारे कंज्यूमर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हम उनको टर्सरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कार्निवरस बोलेंगे। ठीक है, एनिमल विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको हम क्या बोलेंगे, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। टॉप कंज्यूमर्स वो जिनको कोई नहीं खाता, लायन और मैन वगैरह जो है ये हमारे टॉप कंज्यूमर्स में से आते हैं।
ये देखिए, ये चार्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल रहे हैं। ट्रॉपिक लेवल यानी कि कैसे जो फूड बन रहा है ना, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस आधार पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, टर्शियरी और रिफ्यूज के बाद आ जाता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर फूड खुद से बना रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट है प्राइमरी, प्राइमरी पे डिपेंडेंट है सेकेंडरी और सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है टर्शियरी। अब देखिए, फाइटोप्लैंकटन्स, प्लैंकटन्स, ग्रास, ट्रीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्राइमरी में आते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर में आते हैं। जू प्लैंकटन्स, ग्रास हॉपर्स एंड काउ जो कि डिपेंडेंट है इनके ऊपर, ये क्या किसमें आगे, प्राइमरी कंज्यूमर में। बर्ड्स, फिशेस एंड वॉल ये जो है, ये क्या है, ये आपके ईट करते हैं, इनको ग्रास हॉपर्स जो है इनको खाते हैं ये, है ना। जू प्लैंकटन्स जो है इन पे डिपेंडेंट है, इनको फूड के फॉर्म में लेते हैं, तो इनको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर बोला है। मैन और लायन जो है इनको हमने टॉप कंज्यूमर्स बोला है, टर्शियरी कंज्यूमर्स बोला है, क्योंकि ये जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, फिशेज वगैरह जो है वो इनका फूड है। लेकिन याद रखिए, मैन जो है उनके लिए वो प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि कुछ कंज्यूमर जो है वो एज ए टॉप कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तभी तो फूड चेन की वजह फूड वेब बनेगा। क्योंकि नॉर्मली फूड चेन नहीं प्रेजेंट होती है, फूड वेब प्रेजेंट होती है, जब कई सारी चेन एक दूसरे में क्या होती है, जाल की तरह मिक्स हो जाती है, तब हम बनाते हैं फूड वेब, उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ नाउ आ जाते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स में, डीकम्पोजर्स आते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया जो डीकम्पोजिशन करते हैं, बाहर डाइजेशन करते हैं, एंड देन उसको क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे किसके अंदर, डीकम्पोजर्स में। अभी को डीकम्पोजर्स बोलिए, रिड्यूसर बोलिए, क्योंकि लार्ज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका ब्रेकडाउन करवा देते हैं और छोटे छोटे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो इनको हम रिड्यूसर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑस्मोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक एंड कंडीशन में चेंज आ जाता है उनकी सेल के अंदर और बाहर, जिसकी वजह से फूड अंदर जाता है, ठीक है। द मेन डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये डीकम्पोजर्स है जो कि डेड एंड डीके मैटर को जो है वो डीकम्पोज करने का काम करते हैं, ब्रेक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। डीकम्पोजर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मिनरल साइकिल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेड एंड डीके लीव्स होंगे या फिर एनिमल बॉडी होगी तो उसका डीकम्पोजिशन करेंगे, तभी तो क्या होगा, उनके जो कार्बन है या फिर सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर मिक्स होगी या फिर एनवायरमेंट के अंदर डायरेक्टली रिलीज होगी बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन। तो ये मिनरल साइकिल जो होता है उसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर चलाते हैं, तो वो मेन फॉर्म होते हैं आपके डीकम्पोजर्स ही होते हैं। बॉडी के बाहर ही होता है, ये मैंने 10 बार बोला ही आपको। ऑस्मोट्रॉप्स किसको बोले, द रिलीज एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी और डेड रिमेन्स एंड डीकम्पोज इन इट्स सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड देन ऑब्जर्व इट, सो दीज आर कॉल्ड ऑस्मोट्रॉप्स, है ना। ऑस्मोटिक एनवायरमेंट में चेंज हो जाता है बाहर और अंदर, जिसकी वजह से वो अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यही है सारे के सारे जो है वो डीकम्पोजर्स आते हैं, उनके काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ठीक है। कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि स्पैरोज जो होते हैं वो दो ट्रॉपिक लेवल में आती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है क्योंकि वो सीड को खाती है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाती है। इंसेक्ट्स जो है वो क्या हो गए आपके, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, तो इस तरीके से वो दो ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ रही है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी दो ट्रॉपिक लेवल में आते हैं क्योंकि हम भी जो है वो कंज्यूमर्स को भी खा रहे हैं, है ना, और उसके अलावा हम लोग खुद जो है प्रोड्यूसर जो है उसको भी खाते हैं, तो इस वजह से हमने भी दो जो है ट्रॉपिक लेवल को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि एक चेन के फॉर्म में फूड बने, फूड जो है एक वेब के फॉर्म में भी सप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब लार्वा है वो हर्बीवरस होता है और एडल्ट जो है वो कार्निवरस है फ्रॉग का, यानी कि अब देखिए कहाँ स्टैंड करेगा, दोनों का ट्रॉपिक लेवल जो है वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस तरीके से फूड वेब का फॉर्मेशन हो जाता है फूड चेन की वजह। अब देखिए भाई, हम बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए इकोसिस्टम में, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। ये चारों एक दूसरे से रिलेट करती हुई चीजें, ये चारों जो है इकोसिस्टम के मेन फंक्शन है। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आ जाता है, इसी को हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है। देखिए होता क्या है कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको स्टोर करता है, फूड बनाता है, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। तो क्या वो उसी को हम नेट प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, हम कहेंगे नहीं, वो एक्चुअल में उसकी ग्रोस प्रोडक्टिविटी है जिसको वो बनाएगा और हम बोले फूड की एनर्जी को स्टोर करेगा। लेकिन कुछ एनर्जी तो वो क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए खुद ही यूटिलाइज कर लेता है, तो उसको हमें उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो हमें नेट प्रोडक्टिविटी मिलेगी कि प्लांट ने आखिर कितना फूड बनाया, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि फॉर द एग्जांपल आपने एक दुकान खोली, एक शॉप खोली और आपने पूरे दिन भर में कुछ माल बेचा है, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं
साड़ी बेचने का है ना, तो आपने साड़ियां बेची हैं पर पूरे दिन भर में साड़ी देखने के लिए आने वाले को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, आपने पिलाई कि नहीं पिलाई, तो सारी साड़ियों से जो रुपए आ रहा है क्या वो रुपए जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है? तो हम उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, वो आपकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है कि आपने बेचा है जितना सामान, लेकिन उसमें से जो पूरे दिन भर के अंदर आपने जो खर्चा हुआ आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका पूरे उस दिन भर की कमाई जो आपके निकल के आएगी, जिसको हम नेट प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द आ जाते हैं हमारे पास में इसी से रिलेटेड, कि जो प्रोड्यूसर फूड बनाते हैं तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आपका जीपीपी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी के लिए, और एक आता है नेट प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ग्रॉस जितना फूड बनेगा वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से जब रेस्पिरेशन को निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हुआ प्रोडक्टिविटी के बारे में। फिर आ जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, कि अगर कोई कंज्यूमर जो है, फिर जब किसी भी प्रोड्यूसर को जब वो हम बोलते हैं कि प्लांट को जब वो ईट करता है तो उसके बाद में उसकी खुद की बॉडी के अंदर जब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन फिर जब कोई और कंज्यूमर खाएगा तो उसको वो करेगा, ठीक है, यूज करेगा, तो उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। डीकंपोजिशन तो आप जानते हैं क्या होता है, जैसे कि डेड प्लांट रिमेन्स है, लीव्स है, बार्क है, फ्लावर है ना, डेड रिमेन्स है एनिमल्स के, इन सभी को क्या है, फिकल मटेरियल को, इन सब को, इन के मिक्सर को हम क्या कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं। ठीक है ना, ये जो जितना भी मटेरियल होता है इसको फंजाई और बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्लियर, अब डीकम्पोजिशन जो है उसके भी पांच स्टेप है, क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, प्यूरिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, डेट्रिवरस कौन होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, जो क्या कहते हैं, डेट्रिटस जो है स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, पत्तियां गिरी है ना, पेड़ पौधे, खाद बनाने में अर्थवर्म का यूज आता है कि नहीं आता है, वो क्यों आ रहा होता है अर्थवर्म का यूज, रीजन क्या होता है कि जितनी भी पेड़ पत्तियां गोबर वहां रखा होता है उन सबको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है अर्थवर्म। ठीक है, तो वो जितना भी ढेर होता है जो आप इकट्ठा करते हैं खाद बनाने के लिए, उस सबको अपने डेट्रिटस बोला। डेट्रिवरस किसको बोला, उन अर्थवर्म को बोला जिन्होंने क्या किया, वो ब्रेक डाउन करवाया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों करते हैं जो उसको तोड़ देता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वॉट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए लीचिंग किसको बोलते हैं, कि जो डिकम्पोजिशन के बाद में जो हम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे या फिर जो एलिमेंट्स फॉर्म जो रिलीज हो रहे हैं डिकम्पोजिशन की वजह से, वो वहां पे प्रेजेंट वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि सॉइल जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वाटर की सोल्युबिलिटी, वाटर के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से वाटर जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा, तो उसके साथ साथ में वो जो सोल्यूबल मिनरल्स है वो भी पानी के अंदर चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बाय द लीचिंग प्रोसेस ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी सॉइल के अंदर पहुंच जाएंगे। कैटाबोलिज्म किसको बोलते हैं, जो एंजाइम जो होते हैं, जो हम बोल रहे हैं जो कचरा है डेड एंड डीके जो पत्तियां होती है, इनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जो चेंज करते हैं उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। वैसे तो आप नॉर्मली शब्द समझते हैं, कैटाबोलिज्म होता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, है ना, सिंपल में तोड़ देते हैं। लार्ज का मतलब क्या हो गया, अब डेड है तो डेड के अंदर अब क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर फैट भी है, है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, अब इन सबका छोटे फॉर्म के अंदर उनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो किसकी वजह से होगा, एंजाइम की वजह से। एंजाइम रिलीज कौन करेगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो सिंपलर फॉर्म्स मिलेंगी, सिंपलर फॉर्म्स में फिर क्या होंगे, आप अगर एमिनो एसिड टूटता है तो नाइट्रोजन हमें मिलता है, अगर प्रोटीन टूटता है तो हमें अमीनो एसिड मिलता है, अमीनो एसिड से फिर हमें नाइट्रोजन ही मिलता है, फैट अगर टूटता है तो हमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो ये सभी मिलकर बनाते हैं। तो ये तो फर्दर और ब्रेकडाउन होता रहता है बायोमोलिक्यूल्स का, बट सिंपल शब्दों में अगर समझे तो जब ब्रेकडाउन होता है एंजाइमेटिक, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें मिलते हैं, हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि फॉस्फोरस वगैरह जो मिलते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इसको हम मिलने को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो कैटाबोलिज्म भी होता है। इसी के साथ में देखिए ह्यूमिफिकेशन किसको बोलते हैं, कि जब भी सॉइल के अंदर डीकम्पोजिशन होता है तब यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि एक डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस जो होता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, उस जो कि माइक्रोबियल, जिसके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती, वो इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर, आपके सॉइल के अंदर धीरे धीरे स्लोली जो है वो वहां पे क्या हो जाता है, डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उसका डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। अब ये ह्यूमिफिकेशन जो है ये एक्चुअल में है क्या, ये न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन, और दूसरा जो होता है वो मिनरलाइजेशन होता है, क्योंकि जो कैटाबॉलिज्म की वजह से जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एक्चुअल में सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर वहां प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस की वजह से वो वहां इकट्ठे होते हैं। तो जो डीकम्पोजिशन हुआ उसकी वजह से दो तरह के सब्सटेंस हमें मिले, एक कार्बनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक थे उनको हमने ह्यूमिफिकेशन की कैटेगरी में रखा, यानी ह्यूमस बोला, और जो इनऑर्गेनिक थे सॉल्ट्स जो थे वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर सॉइल की, हम ये बोल रहे हैं कि गुणवत्ता जो होती है उसको वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सीजन है, मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरमेंट, क्योंकि ये फंजाई और बैक्टीरिया की खुद की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किस तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, अगर डेट्रिटस के अंदर लिग्निन एंड काइटिन जो है ना उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उनकी क्वांटिटी होगी तो डीकम्पोजिशन की रेट धीरे होगी। रीजन ये है कि लिग्निन एंड काइटिन जो होते हैं ना, इनका ब्रेकडाउन जो है थोड़ा हमें बोलते हैं कि मुश्किल है, ठीक है। नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल शुगर अगर है तो क्या होगा, इजीली डिकम्पोजिट हो जाएगी, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इनकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे होता है डीकम्पोजिशन। डेट्रिटस जो है, डेट्रिवोरस जो भी अर्थफॉर्म वगैरह है, वो उसका फ्रेगमेंटेशन करवाएगा। फ्रेगमेंटेशन की वजह से हमें क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा और सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा। जो सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो लीचिंग की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, है ना, किसके अंदर, हमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उनका जो कि अनअवेलेबल है। ऑर्गेनिक जो है उनका कैटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से ह्यूमस डार्क कलर का एमोर्फस कोलॉइड जो है वो प्राप्त होगा हमें, और मिनरलाइजेशन जो है उसकी वजह से इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाएगा किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हम बोल रहे हैं सब्सटेंस है, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन मिनरल साइकिल का मेन स्टेप है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया चार्ट है। देखिए एक ट्री है जो ग्रो कर रहा है सॉइल के ऊपर, ठीक है, वहां से कुछ पत्तियां हैं जो गिरी ग्राउंड के ऊपर, हुआ क्या, वहां पे प्रेजेंट जो आपके क्या थे डेट्रिवोरस थे, उन्होंने क्या किया, इंसेक्ट वगैरह एनिमल, उन्होंने क्या किया, उसको खाया। तो देखिए ये फूड चेन भी चालू हो गई साथ साथ में, क्योंकि ये इंसेक्ट्स जो है वो क्या हो गए अभी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो ये फूड के, ये न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो हमारी है ना फूड वेब के अंदर जो है एंटर कर गई है। जैसे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट डेट्रिवोरस है वो उसका उसका ब्रेकडाउन करवा देंगे, डीकम्पोजिशन करवाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सॉइल के अंदर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में ये जो मैटर है यहाँ पे लीव जो पार्शियली कंज्यूम हो गए डीकम्पोजिशन के थ्रू, उस पर फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर ग्रो करेंगे और उसका फर्दर डीकम्पोजिशन करवाएंगे। उस डीकम्पोजिशन की वजह से भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया, और सॉइल के अंदर जैसे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई वापस प्लांट को ही होनी होती है, क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करता है। तो इस तरीके से फूड वेब जो है साइकिल जो है वो भी चलता रहता है, एनर्जी फ्लो भी जो है पूरे हम बोलते हैं कि साइक्लिक फॉर्म में घूमती रहती है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी फ्लो कैसे होता है, कि हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो होती है ना तो वो क्या हो सकती है, क्रिएट की जा सकती है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे के अंदर, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहला तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का एक पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, वो ये कहता है कि वेरी लेस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट्स ने जितनी एनर्जी जो होती है वो सनलाइट से जो ट्रैप की होती है वो पूरी की पूरी एज इट इज जो होती है वो प्राइमरी हम बोलते हैं कि कंज्यूमर्स को ट्रांसफर हो जाए। तो पहली बात तो एनर्जी जो है ना उसको ना तो बनाया गया है ना डिस्ट्रॉय होती है। फोटो एनर्जी जो आ रही है केमिकल, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। लाइफ हम लोगों ने ये फोटोसिंथेसिस टाइप पे पढ़ा था कि वहां पर कुछ फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो ये काम करते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब जितनी लाइट सनलाइट से आई वो 90% तो क्या हो जाती है, वेस्ट चली जाती है। उसकी केवल 10% होती है जो प्लांट क्या करते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन वो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाता है तो सारा का सारा एज इट इज ट्रांसफर नहीं होती एनर्जी, कुछ एनर्जी प्लांट भी जो है उसको यूज में कर लेते हैं, तो कुछ एनर्जी ऐसी भी होती है जो हम बोलते हैं एनवायरमेंट के अंदर जो है फ्री हो जाती है। केवल
10% एनर्जी जो होती है उसकी, वही केवल आगे हम बोलते हैं कि फूड चेन के अंदर पास होती है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है केवल उसका 10% ही जो है वो क्या करता है अपने पास में लेता है, देन फिर उसका 10% जो है वो आगे जो हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को पास होता है। तो एनर्जी हमेशा रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ती है, जितनी बनती है उससे कहीं कम होती जाती है, तो कंज्यूमर्स तक जाते जाते ये एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है। अब देखिए सनलाइट से आई 50% तो फोटो हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आई, और 50 जो है दूसरी जो है वो रेडिएशन है, कुछ जो है 50% केवल इसके अंदर फोटोसिंथेटिक हम बोल रहे हैं रेडिएशन है, जिसका भी 10% जो है वो ग्रीन प्लांट्स ने जो है उसको प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके अंदर भी क्या हुआ कुछ तो रेस्पिरेशन में यूज आ गया, और कुछ जो है वो क्या हो गया हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, यानी कि 0.8 to 4% जो है वो उनकी नेट प्रोडक्टिविटी है। अब इसका भी हम क्या बोल रहे हैं कि केवल 10% ही आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास में जाता है, यानी एनर्जी हमेशा धीरे धीरे आगे जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। देखो सनलाइट से आई कुछ हीट के फॉर्म में बाहर मुक्त हो गई, तो कुछ प्लांट ने उसको क्या कर लिया उसको प्लांट ने बना लिया, फूड बनाने में काम भी लिया। 50% तो क्या है दूसरा रेडिएशन हो वैसे ही फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता, 50% पार्ट लेता, उसका भी 10% प्लांट ने क्या किया प्रोड्यूस किया फूड बनाने में। अब उसकी आधी तो क्या हो गई 90% तो हीट बनाने में निकल गई, और केवल 10% आगे हर्बिवरस जो है इसको देखो पास हुई है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को केवल 10% जो है वो आगे पास हुई है, फिर उसका भी 10% जो है वो हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स जो है उसको पहुंचा है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये फूड वेब हमें दिया है क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो हमारे कंज्यूमर्स है उसके ऊपर केवल बर्ड्स जो हैं हमारे हम जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कार्निवरस वही उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्नेल वगैरह जो होते हैं वो भी उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या हीट के रूप में एनर्जी जो होती है लॉस हो जाता है और केवल उसका 10% ही आगे जो है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर हम स्नेल और की बात करें तो स्नेल जो है वो सबके ऊपर सबको खाते हैं ना, स्नेल जो है अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की सेकेंडरी की टर्शियरी की, क्यों, क्योंकि ये क्या है डीकम्पोजर्स हैं, तो डीकम्पोजर्स जो है उसको डीकम्पोज जब करेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा 90% तो हीट के फॉर्म में ऐसे ही फ्री हो गया, और केवल 10% जो है उसको उन्होंने क्या किया डीकम्पोज किया खुद ने यूज किया। प्लांट्स जो है उसका भी डीकम्पोज करेंगे तब सेम कंडीशन होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी कुछ, केवल 10% जो है आगे पास होगी। तो एनर्जी जो है वो हमेशा धीरे धीरे ग्रेजुअली फूड चेन या फूड वेब के अंदर कम होती जाती है। फूड चेन किसको बोलते हैं भाई, जब अगर हम लीनियर फॉर्म में अरेंजमेंट दिखाएं सभी ऑर्गेनिज्म का कि कौन किसको खाता है, तो वो चेन फॉर्म में जब उसको अरेंज करते हैं उसको हम फूड चेन बोलते हैं, सिंपल सीरीज में जब हम उसको अरेंज करते हैं। तो ये देखिए फूड चेन के लिए डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, हमने पहले भी बताया प्राइमरी प्रोड्यूसर देन सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स इनको किसने खाया, ग्रास होपर काउ जू प्लैंक्टन्स ने, इनको किसने खाया बर्ड्स एंड फिशेज एंड वॉल्फ ने, इनको किसने खाया मैन एंड लॉयन ने। तो ये जब एक सीरीज में हमने बता दिया तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे फूड चेन, केवल हमने एक सीरीज में ही बताया। लेकिन जब कभी कभी दूसरे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कई लेवल पे जब स्टैंड करता है तो फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। अभी तो देखिए फूड चेन की कुछ और एग्जाम्पल दिए, ग्रास लैंड के अंदर ग्रास ऑपर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रास लैंड जो है उसमें ग्रास जो है वो क्या है प्रोड्यूसर है ना, ग्रास जो है वो क्या है प्रोड्यूसर है, ग्रास ऑपर क्या है प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर्स कौन है यहाँ पे पीकॉक होता है। ठीक है, वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्राइमरी कंज्यूमर ये हमारे प्रोड्यूसर है, जू प्लैंक्टन्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर, स्मॉल फिशेज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड टर्शियरी कंज्यूमर यानी टॉप कंज्यूमर्स कौन है यहाँ पर लार्ज फिशेज। ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, प्लीज इनको मेंशन करिए और याद रखिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल, पैरासिटिक फूड चेन के अंदर देखेंगे तो ट्री जो है वो क्या है, ट्री जो है ये हमारा प्रोड्यूसर है, बर्ड्स प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको टिक्स खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है, और बैक्टीरिया जो इनका डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं वो टर्सरी है ना, ये डीकम्पोजर्स है लेकिन इनको हम डीकम्पोजर्स बोलेंगे बैक्टीरिया। चलिए फिर आ जाते हैं डेट्रिटस फूड चेन में, अगर देखेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर इनको फंजाई बैक्टीरिया इनका डीकम्पोजिशन करवा रही है, देन इनको स्नेल जो है वो फंजाई वगैरह को खा रही है, स्नेल को स्मॉल फिशेस खा रही है। तो देखो यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिल रहा है ना, तो ये डेट्रिटस फूड चेन है, स्मॉल फिशेस फिर इनको खा रही है, देन ये डेड होगी तो साइक्लिक फॉर्म में भी घूम जाएंगे। तो फूड वेब क्या हुआ, फूड वेब वही हुआ जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा
बोलते हैं ना ट्रॉपिक लेवल पर जो है वो रहता है, एक से ज्यादा हम ये बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है, तब एक जाल जैसा बन जाता है जिसको हम फूड वेब बोल रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स को इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, रैट भी खा रहे हैं, डियर भी खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहे हैं, गॉट भी खा रहे हैं, लेकिन आप देखो प्लांट्स को जो है वो पीकॉक भी खा रहा है, और पीकॉक जो है वो स्नेक जो है उसको भी खा रहा है, ठीक है, और स्नेक जो है वो रैट को खा रहा है, और रैट जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। यानी पीकॉक जो कि टॉप कंज्यूमर है, अगर हम इस फूड चेन के हिसाब से देखें, ग्रासलैंड के हिसाब से, तो वो क्या है, टॉप कंज्यूमर है। लेकिन वैसे अगर देखें तो प्लांट्स जो है डायरेक्टली पीकॉक जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, एक जाल जैसा बनता है, तो इसको हम फूड वेब बोलते हैं, और एक्चुअल में इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब ही प्रेजेंट होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इकोलॉजिकली पैरामीटर्स का, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनको पिरामिड के फॉर्म में शो किया जाता है, ठीक है। बट याद रखिए, ये जो पिरामिड्स होते हैं ये अलग अलग हम बोलते हैं कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अलग अलग तरह के से मतलब हो गया कि जो भी फूड चेन है उस फूड में एनर्जी का फ्लो किस फॉर्म में हो रहा है उसका पिरामिड हो सकता है, फूड चेन के बायोमास का पिरामिड हो सकता है, फूड चेन के अंदर जो नंबर है स्पीशीज के उसका भी क्या होता है, पिरामिड हो सकता है। तो पिरामिड देखो तीन तरह के हो सकते हैं, पिरामिड नंबर का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है। बट याद रखिए, जब ये पिरामिड हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिरामिड जब नंबर का और बायोमास का बनेगा तो ये उल्टा व सीधा दोनों बन सकता है, लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड होता है ये हमेशा कैसा बनता है, ये हमेशा सीधा ही बनता है, ये कभी उल्टा नहीं बनता, क्योंकि एनर्जी हमेशा हर ट्रॉपिक लेवल में जब आगे बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम ही होती है। इसलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, इस तरीके से सीधा ही बनता है, ठीक है। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर में देखो तो प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स, अभी किस इकोसिस्टम का बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है कि वो सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। या कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड में हम जानते हैं प्रोड्यूसर ग्रास जो है उसके नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर्स, उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। फिर देखेंगे आप अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनके नंबर जो है उससे कम है, ये देखो नंबर दिए गए हैं 354,000। देन जो उसके हम बोल रहे हैं कि टर्सरी कंज्यूमर्स है जो ओनली कितने, 3 है। तो अगर आप देखोगे नंबर जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कैसा बना है ये आपके लिए, नंबर के लिए जो पिरामिड वो सीधा बना है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम उल्टा बताएं, ट्री का बताएं, तो ट्री में क्या है, ट्री का नंबर तो क्या है, 1। अब ट्री के ऊपर बर्ड्स रहती है खूब सारी जो उस पर फीड कर रही है, तो उसका नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से क्या है, उल्टा भी चल सकता है कि केवल नंबर जो है वो, हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर के हैं वो कम और हमारे कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसी कंडीशन होगी अगर ट्री का अगर हम देखेंगे, तब ये नंबर का जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ट्री के अंदर जो है ना ये उल्टा बनता है, क्योंकि सिंगल ट्री होता है, देन उनको बर्ड्स खाते हैं, देन उनको कार्निवोरस खाते हैं, देन टर्सरी कंज्यूमर जब खाते हैं, तो इनका नंबर जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम, इनका नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बोले पार्शियल अपराइट होता है, क्योंकि बर्ड्स बहुत ज्यादा है और कार्निवरस फिर बर्ड से कम है, टर्सरी कंज्यूमर जो है वो कार्निवरस से भी कम है। बट यहाँ पे देखो सिंगल ट्री है, अकेला है, तो नंबर जो है वो कम है, तो इसको हमने क्या बोला, पार्शियल अपराइट बोला है। तो ट्री का जो होता है वो पार्शियल अपराइट होता है, ठीक है। पैरासिटिक इकोसिस्टम अगर देखेंगे तो इन्वर्टेड बना, ट्री ट्री के ऊपर बर्ड्स, बर्ड्स पे टिक्स, एंड टिक्स पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तक जाते जाते क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बैक्टीरिया जो है डीकम्पोजर्स है। तो ये कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो किस चीज का इकोसिस्टम पूछा गया वो भी आप क्वेश्चन में चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि वो अपराइट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा। अब बायोमास का अगर आप देखें तो बायोमास का भी ऐसा ही है, सीधा या फिर उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास में देखिए फाइटोप्लैंकटोन्स का बायोमास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं जू प्लैंकटोन्स का भी जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि उनका भी बायोमास जो है वो कम है, बट उसके बाद में जब उनको स्मॉल फिशेज खाती है तो उनका बायोमास थोड़ा बढ़ जाता है, देन उनको लार्ज फिशेज खाती है तो उनका बायोमास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा कि नहीं बनेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बायोमास के लिए जो पिरामिड बनता है वो उल्टा या सीधा दोनों तरीके से ही बन सकता है। अब देखो पैरासिटिक वाली कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर प्लांट है तो बायोमास बहुत ज्यादा है, देन हर्बीवरस जब इनको खाएंगे तो उनका क्या है, बायोमास प्लांट के कंपेरिजन में कम है, देन कॉर्निवरस उनका अगर बायोमास देखेंगे तो हम हर्बीवरस की क्वांटिटी के अंदर क्योंकि नंबर भी कम है तो उनका बायोमास क्या हो जाएगा, कम।
और टर्सरी जो है उनका अगर हम देखेंगे जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं उनका बायोमास तो बहुत ही कम होता है। तो नहीं, ये तो टर्सरी कंज्यूमर्स है, तो टर्सरी कंज्यूमर्स देखेंगे तो वो कितने होते हैं, लाइन वगैरह जो इनकी क्वांटिटी कम ही होती है तो बायोमास भी उनका कम है। अगर वैसे अगर डीकम्पोजर्स को लेके जाएं तो डीकम्पोजर्स का बायोमास बहुत कम होता है, तो ये वैसे भी कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा। तो पैरासिटिक फूड चेन अगर आप देखें तो उसका कैसा होता है, अपराइट हो जाए, ठीक है। चलिए, लेकिन एनर्जी का हमेशा कैसा होगा, सीधा ही होगा, क्योंकि एनर्जी जितनी मिलती है उससे अगले लेवल में कम होती जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये हमेशा सीधा ही बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, देखिए कोई एरिया है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, जहां किसी तरह की कोई एनिमल या प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो नहीं कर रही, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड वहां के हम बोलते हैं सॉइल में चेंजेस लाके या वहां के हैबिटेट में चेंजेस लेके आके धीरे धीरे वहां जब वेजिटेशन डेवलप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि कोई हम बोलते हैं कि बंजर जमीन है वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना धीरे धीरे ग्रेजुअली, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। वही सीक्वेंस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइफ इन अ बैरन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, सिंपल और आसान शब्दों में। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। कैसे प्राइमरी, प्राइमरी सक्सेशन तो किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल बंजर जमीन है जिसमें लाइफ फॉर्म जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको प्राइमरी बोला। सेकेंडरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जो पहले से वहां पे लिविंग हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन कोई प्राकृतिक या नेचुरल हम बोलते हैं कि सिचुएशन की वजह से, जैसे कोई बाढ़ आ गई या फिर कुछ हम बोलते हैं कि लैंडस्केप हो गया, उसकी वजह से वहां की वेजिटेशन या वहां की जो लिविंग स्पीशीज है वो वहां पे अब क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई। फिर वहां पर वापस से लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, कई सालों में होता है, थाउजेंड ईयर्स ले लेते हैं प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, ठीक है। अब फॉर द एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, कोई भी अगर बाढ़ आ गई है या फिर जंगल में आग लग गई है तो वापस से वहां वेजिटेशन जब डेवलप होगी उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सक्सेशन कैसे होता है। देखिए, एक तो सक्सेशन को फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब हो गया जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जितनी भी आती है, जैसे कि सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव अगर वहां हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वहां पे मिट्टी नहीं होगी तो वहां पे कैसे लाइफ फॉर्म आएगी, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या फिर कहीं पे भी हम ये बोलते हैं कि वॉल्केनोज जो है वो अगर वहां पे फट जाते हैं तो उस वजह से जो है वहां पे हम ये बोलते हैं कि लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो जाती है, देन वापस से वहां पर जो है वो हम ये बोले कि ग्रोथ होगी तो लाइफ फॉर्म आएगी तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। चलिए, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं कि एक्शन ऑफ ईच सेल कम्युनिटी मेक्स इट्स एरिया लेस फेवरेबल टू इटसेल्फ, खुद ही अपने आप को बना लेती है, और मोर फेवरेबल टू द नेक्स्ट कम्युनिटी ऑफ द सक्सेशन। ऐसा होता है कि दूसरी स्पीशीज के आने के लिए तो वो क्या करती है, उसको फेवरेबल बना देती है, और खुद के लिए उसको अनफेवरेबल बना देती है, तो खुद तो क्या हो जाती है, वहां से नष्ट हो जाती है और दूसरी कम्युनिटी वहां डेवलप हो जाती है। तो ये बायोटिक फैक्टर्स जो है वो भी इफेक्ट करते हैं सक्सेशन को। अब देखिए, सक्सेशन कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ड्राई वाटर के अंदर सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम बोल रहे जीरोसीफ, और फ्रेश वाटर में हो रहा है सक्सेशन उसको बोल रहे हैं हाइड्रोसीफ, वैसे सेलाइन वाटर में हुआ तो हेलोसीफ, एसिडिक वाटर में हुआ तो ऑक्सेलोसीफ, और सैंड में हुआ तो सेमोसीफ, और अगर वेट एरियाज में हुआ तो मेसोसीफ, ठीक है। तो ये कई टाइप है, आपको ध्यान जो रखना है वो यही रखना है, जीरोसीफ एंड हाइड्रोसीफ, ठीक है। लिथोसीफ यानी कि रॉक से अगर वेजिटेशन डेवलप होगी तो उसको लिथोसीफ बोलेंगे। अभी हाइड्रोसीफ कैसे समझेंगे, हाइड्रोसीफ का मतलब यह हो गया कि सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, जहां पे अब इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, समझिए कि एक मिट्टी है लैंड है जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, वहां सबसे पहले चट्टाने हैं, उनको तोड़ने के लिए लाइकेंस वहां डेवलप हुए, लाइकेन वहां डेवलप होने के बाद में वहां पे सॉइल चट्टानों को रेत के अंदर सॉइल के अंदर कन्वर्ट किया, सॉइल में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वहां पे लाइकेंस के साथ में, क्योंकि लाइकेंस में राइजोइड्स होते हैं तो सॉइल के साथ बाइंडिंग, सॉइल को बाइंड करने की वहां की हम बोलते हैं कि उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हुआ, फिर वहां ब्रायोफाइट डेवलप हुए, ब्रायोफाइट डेवलप होने से सॉइल जो है उसका इरोजन रुका, सॉइल वहीं पे रुक गई, एंड देन वहां पे वाटर जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो फिर हम देखें
लाइकेन से ब्रायोफाइट्स आए, देन ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स डेवलप हुए, टेरिडोफाइट्स ने फिर क्या हुआ वहां पे, हम बोल रहे वेस्कुलर सिस्टम वगैरह डेवलप हो गए तो वाटर की और अवेलेबिलिटी बढ़ी, रूट डेवलपमेंट हुआ एंड देन टेरिडोफाइट से देन हम बोल रहे जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ एंड जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म वहां डेवलप हुए तो बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो कर जाते हैं, जो जहाँ पे सूखी बंजर जमीन थी वहां पे अब फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। सेम इसी तरीके से देखिए कि हाइड्रोसीन के अंदर भी होता है, फाइटोप्लैंकटन सबसे पहले डेवलप होते हैं, देन सबमर्ज्ड प्लांट उनसे हाइड्रिला वैलिसन एरिया जैसे डेवलप हो जाते हैं, देन फ्लोटिंग स्टेज यानी लोटस विक्टोरिया वोल्फिया लेमना ये जो है ये प्लांट डेवलप होते हैं, उनसे फिर रेड स्वैम यानी टाइपा वगैरह डेवलप होते हैं, फिर मार्श साइप्रस देन हब्स डेवलप हुई, देन शब्स डेवलप हुई और फॉरेस्ट डेवलप हो गई, यानी जहाँ पे पहले केवल पानी था एक्वेटिक एनवायरमेंट था वहां एक्वेटिक एनवायरमेंट से कौन सा एनवायरमेंट डेवलप हो गया, टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट यानी फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो सक्सेशन इस तरीके से होता है, एक एक जो स्पीशीज है वो दूसरे के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट करी खुद के लिए अनफेवरेबल, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ने हाइड्रिला के लिए फेवरेबल एनवायरमेंट किया, वहां हाइड्रिला डेवलप हुए, हाइड्रिला और वेलिसन एरिया वगैरह जो है वो सॉइल के अंदर जो है रहते हैं नीचे रहते हैं और उनको हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल में फाइटोप्लैंक्टन्स को पानी के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, देन हाइड्रिला ने की वजह से फिर फ्लोटिंग स्टेज आई यानी पानी के ऊपर ऊपर जो है ना लोटस वगैरह वो पानी के ऊपर तैरने लगे, बट वही उनकी हम बोलते हैं रूट्स वगैरह जो है वो मिट्टी के अंदर ही थी, देन फिर उनसे टाइफा हम बोल रहे हैं कि रीड स्वैम जो है वो डेवलप हुई पानी के ऊपर ही, देन मार्शी यानी कि अभी मिट्टी जो है ना और इकट्ठी हो गई वहां पे और हम बोल रहे हैं कि दलदली जमीन हो गई जिससे साइप्रस डेवलप हुए, फिर और मिट्टी जो है वहां पे इकट्ठी होने की वजह से जो है वो हब्स डेवलप हुई एंड हब से फिर शब्स और शब से ट्रीज यानी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, उसको हमने बोला हाइड्रोसीन। जीरो सीट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जीरो सीट कंडीशन के अंदर लाइकेन्स डेवलप होते हैं, लाइकेन्स में सबसे पहले क्रस्टोस जो मिट्टी को तोड़ देते हैं, फिर फोलियोज एंड फ्रक्टोज डेवलप हुए, फ्रक्टोज ने फिर वही वहां पे वाटर सॉइल की बाइंडिंग सॉइल के अंदर पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी लाइकेन ने, तो उससे मॉसेस यानी कि ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए, फिर ब्रायोफाइट से हम बोल रहे हैं कि एनिमल ग्रासेस डेवलप हुई एंड ग्रासेस से फिर हम ये बोल रहे हैं कि फॉन्स यानी टेरिडोफाइट आए, टेरिडोफाइट से उसके बाद में शब्स एंड देन फॉरेस्ट अकेशिया ये देखिए का डेवलपमेंट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है सक्सेशन की वजह से एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए फिर आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल हम किसको बोल रहे हैं कि देखिए जितने भी ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस है कार्बन है ये सभी क्या होते हैं प्लांट से सॉइल से प्लांट में या फिर गैसेस से प्लांट में या फिर एनिमल्स के अंदर डायरेक्टली जो है ये जाते हैं एंड देन फिर ये हम बोले पूरे फूड चेन या फूड वेब में घूमते हुए वापस से सॉइल या फिर एनवायरमेंट यानी कि गैसेस फॉर्म के अंदर जो है वो वापस रिलीज हो जाते हैं। तो ये जब हम ये बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म में जब इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके साथ में हमारे जो विंड और हवा और हमारे जो सॉइल है उसके अंदर भी जो है साइक्लिक प्रोसेस में घूमते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोजियो साइकिल। देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोला क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे केमिकल और बायो इसलिए क्योंकि इसमें लाइफ फॉर्म्स भी इन्वॉल्व है और साथ में सॉइल भी इन्वॉल्व है इसलिए जियो, तो इनको बायोजियो साइकिल हम बोलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर बायो न्यूट्रिएंट साइकिल यानी बायोजियो साइकिल का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए साइकिल दो तरीके के हो सकते हैं गैसियस कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये गैसियस साइकिल है क्योंकि गैसेस के फॉर्म में रहते हैं सभी और सेडिमेंट्री साइकिल जो होते हैं उसमें आते हैं फॉस्फोरस सल्फर एंड कैल्शियम क्योंकि चट्टानों के अंदर ज्यादा इनकी स्टोरेज रहती है इनके रिजर्वियर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट होता है ठीक है तो ये इनको सेडिमेंट्री साइकिल हम बोलते हैं। दो सेडिमेंट्री साइकिल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं उनमें से एक है आपका फॉस्फोरस साइकिल और दूसरा है आपका कार्बन साइकिल इन दोनों के बारे में डिटेल में दिया गया है तो आपको ये दोनों पढ़ लें। देखिए कार्बन साइकिल के लिए एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है बहुत आसानी से समझ सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज है ये देखिए कार्बन का मेन सोर्स एटमोस्फेयर ठीक है। अब देखो इसको यूज किया किस किस ने यूज किया फोटोसिंथेसिस किया टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर चला गया ये देखिए इसके अलावा देखिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर चला गया साथ में देखिए इसका एक और सोर्स क्या है इसका एक सोर्स ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज एनवायरमेंट में कैसे आई तो आपने जितने भी हम ये बोलते हैं कि पेट्रोलियम चीजें जब आप यूज करते हैं या किसी चीज को आप बर्न करते हैं है ना इस कंडीशन के अंदर क्या होता है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनवायरमेंट के अंदर आती है तो इसका सोर्स क्या हो गया एनवायरमेंट के अंदर आने का कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है आपके जो भी व्हीकल से निकलने वाला जो भी हम बोलते हैं कार्बन CO2 रिलीज होती है एक तो वही है कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक तो यहां से आएगा दूसरा जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे देन वो भी क्या होगी एनवायरमेंट में रिलीज होगी
इसी के साथ में जितने भी एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में. जितने भी लिविंग है वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फेयर में रिलीज करेंगे बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस, यहाँ पे आएगा. लेकिन इसको फिक्स कौन कर रहा है, इसको फिक्स कर रहे हैं एक्वेटिक जितने भी हम बोल रहे हैं प्लैंकटॉन्स होते हैं, एक्वेटिक जो है फाइटोप्लैंकटॉन्स वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरमेंट से फिक्स हो रही है. ठीक है, तो ये फिक्स होने के सोर्स है और रिलीज होने के सोर्स भी आपको पता चल गया. ठीक है, अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको फूड के फॉर्म में फिक्स किया, अब इसको फूड के फॉर्म में जो भी खाएगा प्लांट को तो उन सब में कार्बन जो है वो आगे मूव करेगा. ठीक है, इसी के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी भी कार्बन के ही बने हैं. तो जब वो उनकी डेथ होगी या फिर हम बोल रहे हैं प्लांट की डेथ होगी तो हम बोल रहे डेट्रिटस जो होता है उसका डिकम्पोजिशन जब होगा, डेट्रिवरस जो उनका डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो सॉइल के अंदर क्या हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे तो सॉइल के अंदर पहुंच जाएंगे. सॉइल से फिर ये वापस प्लांट में पहुंचेंगे. रीजन ये है क्योंकि सॉइल हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल जो है वहां पे हम ये बोल रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ में उन्हें प्रेजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर. ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो वाटर के अंदर है उसको हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट होती है वो CO2 जो है वो फिक्स करने में काम में आ जाती है किसके, फाइटोप्लैंकटॉन्स के अंदर. ठीक है, इसके अलावा सेडिमेंटेशन जब होगा तो उसके साथ में कार्बन जो है वो भी क्या हो जाएगा आपके, अब देखते हैं ना कि जो पेट्रोलियम चीजें पदार्थ है जितने भी हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से ही तो मिलते हैं. तो क्योंकि ये भी क्या है डीकम्पोजिशन होने की वजह से कार्बन जो होता है वो सॉइल के अंदर चट्टानों और उनके अंदर क्या होता है इकट्ठा होता रहता है, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह से जो है इनका फॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो एटमोस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में, और हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल से फिर वापस से हम ये बोल रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड देन एटमोस्फेयर में फ्री होते हैं. इसके अलावा अनदर सोर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे थ्रू जो पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक सोर्स ही है. हमारे थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस भी जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इंक्रीज करता है एनवायरमेंट के अंदर. वैसे ही फॉस्फोरस का अगर देखेंगे तो ये सेडिमेंट्री साइकिल है जिसमें आप देखोगे तो एक्चुअल में होता क्या है, प्रोड्यूसर्स के अंदर जो है मान लीजिए कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अब ये फॉस्फोरस कंज्यूमर्स में जाएगा, कंज्यूमर्स में से डेट्रिटस में, प्रोड्यूसर खुद भी डेट्रिटस जो है उसका पार्ट है. यदि इनको डीकम्पोज किया तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है सॉइल के अंदर, इसकी क्या होगी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. अब देखिए सॉइल से ये वापस प्रोड्यूसर इसको क्या करता है पानी के साथ में ले लेता है तो ये वापस से पहुंच जाते हैं प्रोड्यूसर के अंदर. दूसरा इसका ये कंडीशन है कि सॉइल के अंदर ही रॉक जो होती है ना जब चट्टाने बनती है तो उस टाइम के अंदर क्या होता है ये फॉस्फोरस उसमें चट्टानों के साथ में क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी के अंदर सेडिमेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है कि उसके फॉस्फोरस की अर्थ के अंदर अब बोल रहे रॉक वगैरह जो है उसके अंदर ये किस तरह से ज्यादा रिजर्वियर के फॉर्म में जो है इकट्ठी रहती है, रॉक्स के अंदर मिनरल जो है वो इकट्ठा रहता है चट्टानों के अंदर. ठीक है, बट ये साइक्लिक प्रोसेस में इस तरीके से चलता रहेगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एंड देन डेट्रिटस के थ्रू सॉइल में वापस, देन सॉइल से वापस प्रोड्यूसर में. तो ये फॉस्फोरस जो है उसका साइकिल जो है वो इस तरीके से चलता रहता है, ये गैसेस फॉर्म में होता रहेगा. तो इसको हम बोल रहे हैं सेडिमेंट्री साइकिल. ठीक है, तो इतना ही है एनसीईआरटी के अंदर इकोलॉजी से इकोसिस्टम से रिलेटेड जो आप लोगों को समझना है. उसके बाद में आ जाते हैं हमारे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको करने हैं. बेसिकली इकोलॉजी सिर्फ हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके और उन्हीं टॉपिक को ले रहे हैं जो हमारे लिए काम के हैं. जैसे अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस. अभी मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या रहती है मिनरलाइजेशन की. सबसे पहले क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है लीचिंग होती है या फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. तो क्या प्रोसेस रहता है ये उसके लिए है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और जिनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये उन्हीं के ही हमने फॉलोअप क्वेश्चन दिए हैं. फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इनके आंसर बताइए. कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं. आज के लिए इतना ही, इकोसिस्टम में नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.